बाड़ी में प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत कथा। आइए, कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया था। कल भगवान ने गोवर्धन का अपने इस हाथ से इस गोवर्धन को उठाया था। जब द्रोणाचल पर्वत के का पुत्र कौन है? द्रोणाचल पर्वत का पुत्र गोवर्धन। जब हनुमान जी गोवर्धन को लेकर के जा रहे थे, कब? त्रेता युग में, जब पुल बन रहा था उस समय, तब हनुमान जी लेकर के जा रहे थे। तभी राम जी का आज्ञा आया कि जो भी पर्वत ला रहे हो उस पर्वत को वहीं छोड़ दो। और गोवर्धन का शर्त था कि जहाँ यदि मुझे कार्य के लिए लेकर के जा रहे हो तो उस कार्य को जब तक पूरा नहीं कर लोगे तब तक मुझे कहीं भी स्थापित ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब हनुमान जी एक धर्म संकट पर पड़ गए। इधर से गोवर्धन का श्राप, उधर से राम जी की आज्ञा, अब कैसे किया जाए? तब हनुमान जी ने आज उस गोवर्धन पर्वत को मथुरा के पास से रख दिए और रख करके आज पुल को बनाने के लिए चले गए और उसको एक शर्त दे दी कि एक समय में द्वापर युग में तेरे को श्री कृष्ण स्वयं उठाएंगे, अपने जैसे ही तेरा पूजा होगी। राम जी ने उनको ऐसी शर्त दे करके उनके आत्मा को शांति प्रदान किया। आज गोवर्धन कृष्ण की याद करते 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 आज वह द्वापर युग आ ही गया। आज द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठाया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठती है कि जब गोवर्धन को उठाया, जब इंद्र ने खूब प्रलयकालीन वर्षा को खूब भेजा, लेकिन वह प्रलयकालीन जो जल था वह व्रज का कुछ क्यों नहीं कर पाया? बाल बांक का व्रज का क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर अनेकों संत ने अनेकों कथाएं लिखी। कोई कहता है कि जब सीता जी त्रेता युग में, जब सीता जी अगस्त मुनि जी को ब्राह्मण भोज में बुलाया, उस समय ब्राह्मण भोज में जब उनको बुलाया गया तो अगस्त जी ने पूरे 25,000 सभी ब्राह्मणों के भोजन को अकेले प्राप्त कर लिया। उन्होंने अकेले ही ग्रहण कर लिया सभी भोजन को। और ग्रहण करने के बाद जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ी, जब एक व्यक्ति 20,000 लोगों के भोजन को एक ही पेट में ग्रहण कर ले तो उससे डबल पानी तो लगेगी। तब राम जी ने कहा कि अगस्त मुनि जी, जब मैं द्वापर युग में गोवर्धन को उठाऊंगा और उस समय इंद्र क्रोधित होकर के जब जल की वर्षा करेगा, उस समय जितनी वर्षा होगी उस वर्षा के जल को आप अपने प्यास को बुझा लीजिएगा। तब अगस्त मुनि जी ने उस ब्रज मंडल पर आकर करके उस पानी को ग्रहण किया था और भगवान कृष्ण के जो चक्र हैं वे भी उस जल को अवशोषित किया था। ऐसे अनेकों कथाएं हैं। और गोवर्धन जी को भगवान कृष्ण ने अपने जैसे ही पद की उपाधि दी और अपने ही जैसे। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गोबर धन, अर्थात गोबर का धन, गोबर का अभिवृद्धि। जब इस पृथ्वी पर खेती तो हो रही थी लेकिन खाद की कमी हो रही थी, उस समय सभी को कृष्ण जी एक ज्ञान प्रदान करते हैं कि गोबर की अभिवृद्धि करिए। गोबर की जैसी जैसी वृद्धि होगी
वैसी वैसी खाद बनेगी, खाद से अन्न की प्राप्ति होगी। ऐसे अनेकों ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण गोवर्धन के माध्यम से। कल हम लोगों ने श्रवण किया था चीरहरण। ये चीरहरण है क्या? जब तालाब पर, जब यमुना नदी पर सभी गोपांगनाएं जब निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, उस समय सारे सभी के सभी निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, तब उसी समय कृष्ण जी पहुंच गए। कृष्ण जी ने उनके वस्त्र को हर लिया। अब वहां की सभी गोपांगनाएं देखने लग गई कि हमारे वस्त्र को कौन लेकर के चला गया, क्या कोई बंदर लेकर के चला गया, क्या कोई कंस का दूत लेकर के चला गया। तो सभी के सभी ने देखा, तभी एक गोपांगनाएं ने देखी कृष्ण के पैरों को हिलाते हुए देखा, और कृष्ण को देखने के बाद कहा कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हम तुम्हें देख चुके हैं, तुम न छुपो, तुमने ही हमारे वस्त्र का हरण किया है, हमारे वस्त्र को देने की प्रदान करिए ना। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप सभी निर्वस्त्र होकर के स्नान ना किया करिए, आज मैंने आपका वस्त्र का हरण किया। कहीं दूत आकर के वस्त्र को लेकर के चले जाते तो आप क्या कर पाते। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ये जो नदी में स्नान कर रहे हैं, साक्षात वरुण देव हैं, साक्षात यमुना महारानी हैं, और आप इसमें निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हैं, ये आप गोपांगनाओं को शोभा नहीं देती। और फिर यदि आपको वस्त्र लेना ही है तो आप निर्वस्त्र मेरे पास के इस वस्त्र को ग्रहण कर लीजिए। तभी सभी गोपांगनाएं, उस गोपांगनाएं में चारों वर्ण की गोपांगनाएं होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के वर्ण की जो गोपांगनाएं थी, वह कहती है कि कृष्ण, आप धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे वस्त्र को लूट लिए हैं और आप कह रहे हैं हमें निर्वस्त्र ही बाहर आ जाए, आप धर्म के विरुद्ध क्या कार्य कर रहे हैं। कृष्ण जी ने उनके आवाज को सुनकर के समझ गया कि ये ब्राह्मण वर्ग के गोपांगनाएं हैं। ये ब्राह्मण वर्ग के गोपांगनाएं केवल धर्म और अधर्म का ही बात करेंगे। अब आया वैश्य वर्ण के गोपांगनाएं कहती है कि हे कृष्ण, हम तुम्हें खूब भोजन पका पका करके दिया करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि आप हमारे वस्त्र को दे दीजिए, हमारे वस्त्र को प्रदान कर दीजिए। तभी उनकी बात सुनकर के भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि वैश्य वर्ण की है। क्षत्रिय वर्ण की गोपांगनाएं कहती है कि आप मुझे नहीं देंगे तो हम राजा को बता देंगे। उनकी बोलियों की तरह तीखी तीखी आवाज को सुनकर के भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण की गोपांगनाएं हैं, और शूद्र वर्ण की गोपांगनाएं को समझ जाते हैं कि हम, हे कृष्ण, हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते, आपका हम कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। और जब दासत्व प्रेम को देखा तो भगवान कृष्ण ने आज प्रदान किया। तभी कहा कि आप ही लोग कहते हैं कि हमारा शरीर आपको अर्पण कर दिया, आप ही लोग भगवान माता रानी से मांगते हैं कि मेरे पति के रूप में साक्षात कृष्ण को देखूं, तो फिर आप निर्वस्त्र तो आ सकते हैं ना।
जब आप स्वयं कहते हैं कि कृष्ण और हमारे शरीर में कोई भेद ही नहीं है, तन मन सब अर्पण है आपके ऊपर, आप ही ब्रजनांगनाएं गाती हैं, तो फिर आप तो निर्वस्त्र आ सकती है ना। तो गोपांगनाएं कहती हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हम वैसे ही करेंगे। और उनके अपने जब पूरा डूब उठा, तब अंत में भगवान कृष्ण उस वस्त्र को प्रदान करते हैं। जब तक बंधुओं अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने प्राण को भगवान के शरण में अर्पित नहीं कर दोगे, तब तक रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज की कथा, यह जो हम पिछले 5 दिनों से कथा सुनते आ रहे हैं, ये केवल श्रीमद् भागवत का शरीर है। एक बार शरीर और इंद्रियों का लड़ाई हो गया, कान कहता है कि मेरे बिना यह शरीर मर जाएगा, आँख कहता है कि मेरे बिना यह शरीर मर जाएगा, फिर नाक कहता है नहीं नहीं यदि मैं नहीं रहूंगा तो यह शरीर मर जाएगा, मुंह कहता है कि तुम सब गलत हो, यदि मैं नहीं रहूंगा तो यह शरीर मर जाएगा। अब ये तीनों, ये सब के सब, ये इंद्रियां, इस शरीर का सरपंच कौन है, इस शरीर का राजा कौन है? बोले आत्मा। ये सभी इंद्रियां आत्मा के पास पहुंचती है, आत्मा के पास पहुंच करके कहती है कि आत्मा आप ही बताइए कि यदि आंख नहीं रहेगा तो क्या यह शरीर रह सकती है। आत्मा बोला आप ही ठीक कह रहे हैं, यह शरीर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अब ये सब अपना अपना मत देते गए, लेकिन अंत में जब आत्मा कहता है कि यदि पैर कट जाएगा तो भी मनुष्य जिंदा रहेगा, आंख चला जाएगा तो भी मनुष्य जिंदा रहेगा, कान चला जाएगा तो भी मनुष्य जिंदा रहेगा, लेकिन यदि आत्मा चली जाएगी तो क्या यह मनुष्य, आप भले ही इस शरीर में जितना भी विराजमान है, लेकिन यदि मैं यहाँ से चला जाऊं तो आप सभी के सभी उसी समय नष्ट हो जाएंगे। सभी यह श्रीमद् भागवत का प्राण क्या है? रास। यह रास ही श्रीमद् भागवत का प्राण है। आज सभी गोपांगनाएं यह रास किसको कहते हैं? रसो वै इषः इति रासः, भगवान के रस के समूह को ही रास कहते हैं। और रास किसी गली मोहल्ले पर खेलने वाली डांडिया को रास नहीं कहते, किसी पुरुष और स्त्री के नृत्य करने को रास नहीं कहते। रास आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। और वास्तविक दृष्टि में रास यह आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही कहते हैं। यह जो जीवात्मा है यह भगवान से मिलने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो उस बीच में गुरु, यह गुरु ही उस आत्मा और परमात्मा के बीच को मिला सकता है। वेद स्तुति करते हैं, वेद की स्तुति में लिखा है मधुनी लिल्यतु रासः, यदि सभी रासों के, यदि सभी विश्व के रसों के गुण को लेना है, यदि सभी रसों के अपने मुख पर एक ही बार रस को चखना है तो शहद को चख लेना। इस मधुरस, यह मधुरस है क्या? मधुरस, एक मधुमक्खी इस विश्व के एक कीचड़ से भी रस को प्राप्त करती है, एक फूल से भी रस को प्राप्त करती है। तो यह पूरा विश्व, यदि पूरे विश्व का यदि रस प्राप्त करना है तो मधुमक्खी के रस को प्राप्त कर लेना।
यदि पूरे विश्व का गंगा यमुना आदि सभी नदियों का यदि रस प्राप्त करना है तो समुद्र को पान कर लेना, समुद्र के जल को प्राप्त कर लेना, पान कर लेना। तो विश्व के जितने भी नदियां हैं उस सब का, उस सब नदियों का एक ही साथ आपको पुण्य मिल जाएगा। और लेकिन श्रीमद् भागवत में, यदि श्रीमद् भागवत का एक ही बार एक ही साथ यदि रास को प्राप्त करना है, रस को प्राप्त करना है, तो इस श्रीमद् भागवत का प्राण प्राण स्वरूप इस श्रीमद् भागवत के रास का श्रवण करिए। आज साक्षात शंकर को भी रास में प्रवेश नहीं मिलता जब तक उनके हृदय में वैराग्य की भावना है, जब तक उनके हृदय में ज्ञान की भावना है, तब तक उनको भी रास की प्राप्ति नहीं होती। तो शंकर को, जब शंकर के हृदय में स्वयं भक्ति का प्रेम जब उमड़ता है, तभी रास में जाने का सभी को लाभ प्राप्त होता है। आज मधुर मधुर भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन मधुर मधुर अपने बंसियों से निनाद करते हैं, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके। सभी गोपांगनाएं आज उस रस को, उस मधुर वाणी को कहती है कि वह बंसी कितना पुण्य किया होगा जो रोज भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंद से उनके में प्राण पिरोते हैं और बाज उठती है व्रज की वह वेणु। और आइए उनके भजन के माध्यम से उस वेणु का खूब निनाद करते हुए आज भगवान की रास की ओर चलते हैं। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर के। ले वीणा नारद जी दौड़े, 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 शिव समाधि रे मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर के। जय हो अपने अपने घर के कार्य को निपटा करके जा रही हैं, और जब अपने घर के काम को निपटाती हैं तो वहाँ पर गोपांगनाएं जो अपने गैया के लिए बनाए रहती है उसको अपने पति को परोस देती हैं, जो पति के लिए बनाए रहती है उसको गौ माता को खिला देती हैं। आज सभी गोपांगनाएं जब जा करके देखती हैं तो श्रृंगार को उल्टा पुलटा करके खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। आज खीर में नमक डाल देती हैं गोपिकाएं और दाल में शक्कर डाल देती हैं। गौ को साग पति को भूसा, हर के
पग में पहुंची कर में पायल कान में नथन सजाई, पग में पहुंची कर में पायल कान में नथन सजाई, नैन महावर पग अंजन महावर पग अंजन अरविंद कपल चिपकाई, मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि के। यदि रास का प्रसंग सुनना है तो श्री हरिदास, श्री हरिदास जी आज भी गोपियों के संग रास रचाने आज भी आते हैं। व्यास जी ने यहाँ पर नौधा भक्ति का भी प्रसंग लिखा, नवम हुए कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। यदि इस नौधा भक्ति में एक भक्ति को कोई अपने जीवन पर उतार करके, उसे अपने कर्म पर उतार करके यदि जीवन को चलावे तो अवश्य उसे भक्ति की प्राप्ति होगी। आज यहाँ पर भी नौधा भक्ति का एक प्रसंग आया। बंधुओं, व्यास जी इस नौधा भक्ति का नौतो तो बता दे। जब राम जी त्रेता युग में भगवान माता सीता को खोजते हुए जा रहे थे, उसी समय खोजते खोजते आज परम भक्तनी आज माता सबरी का दर्शन हुआ। आज सबरी का दर्शन करके भगवान स्वयं प्रफुल्लित हो गए और सबरी ने कहा कि प्रभु आप मुझे आपकी प्रतीक्षा में, मैं जीवन जीवन भर भटक रही थी। बंधुओं, यह शरीर, यह मन, यह इंद्रिय दिन व दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, इंद्रिय दिन व दिन जवानी को प्राप्त होगी। जैसे जैसे वृद्धावस्था होगी वैसे वैसे इंद्रिय का इंद्रिय जवान होगी। तो अधम ते अधम हीन में नारी, शबरी क्या थी? अधम थी, हीन थी। शबरी ने आज खूब रोया करती, अपने पूरे जीवन को खूब प्रतीक्षा में व्यतीत करती। बंधुओं, हमारा भी यह जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन क्यों ना इस जीवन को प्रभु की प्रतीक्षा में पूर्ण करें, एक एक क्षण को प्रभु की प्रतीक्षा में व्यतीत करें। आज शबरी अपने एक एक पल को भगवान की प्रतीक्षा में व्यतीत करती रही और उसमें से भक्ति को पूर्ण दासत्व भाव से अपने गुरु के कहने अनुसार, उनके गुरु ने उनको कहा था कि शबरी बस तू प्रतीक्षा करना, एक दिन तुझे भगवान जरूर प्राप्त होंगे। और आज शबरी को जैसे ही भगवान ने देखा, आज शबरी ने नवधा भक्ति का खूब प्रसंग सुनाया। भगवान राम ने उनमें से कहा, सबसे पहला भाव आता है श्रवण, श्रवण मंगलम। इस गोपी गीत के भाव में भी लिखा है श्रवण मंगलम। यदि भगवान कृष्ण के श्रवण में, यदि भगवान कृष्ण यदि अपने ही मुखार बिंद से अपने गुणानुवाद का अनुसरण करें तो भी वे अपने मुखार बिंद से भगवान कृष्ण का वे नहीं कर सकते। आज नव महु एक हूँ जिनके हुए, नारी पुरुष चराचर सोए। जो भी इस मनुष्य, जो भी यह जीवात्मा इन नौ में से
कोई एक को अपने जीवन पर उतार लेता है तो अवश्य भक्ति मिलेगी, अवश्य रास की प्राप्ति होगी। तो आइए हम सब के सब रास की ओर चलते हैं। बंधुओं, रास के पहले एक और वस्तु है। व्यास जी ने रास का प्रारंभ किया है भगवान शब्द से। और इस रास में गुरु का सर्वश्रेष्ठ है। गुरु कौन है? सुखदेव जी। और गुरु कैसे बनावे? जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसिक हो। चौथी बात है कि मन में विरक्त हो, विरक्त को लावे मन में और वृंदावन में बसने का संकल्प ले। कोई व्यक्ति कहते हैं कि एक वक्ता से कहते हैं कि प्रभु, हे वक्ता, आप बिल्कुल दो कौड़ी की कथा करते हैं। बोले, क्यों? उस दो कौड़ी की कथा का कारण क्या है? बोले, आपको आज 6 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते सुनाते, लेकिन आप अभी तक हमारे पिताजी के हृदय में, हमारे पिताजी के हृदय में भक्ति का स्रोत ही नहीं डाला पाया। आपने अभी तक उनका रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया वृंदावन जाने का? आप बिल्कुल दो कौड़ी की कथा करते हैं। अरे, आप कथा, मेरी कथा सुनाने की फिर सार्थकता क्या होगी? वे मुझे रोज कहते हैं कि ये कपड़ा ना पहन, ये मत कर, वो मत कर। अरे, कब आप उनके अपने साथ उनको लेकर के जाएंगे? जल्दी बताइए, उस खुशखबरी को मैं स्वयं ग्रहण करना चाहता हूँ। और तभी मेरा यह श्रीमद् भागवत सुनने का साफल्य होगा। और इस रास जब सभी गोपांगनाएं, जब सभी गोपियां अपने सभी इंद्रियों को, अपने शरीर को साष्टांग भगवान को अर्पित कर देती हैं, फिर भगवान कृष्ण सभी को उस रास पे उपस्थिति देते हैं। आज मधुर मधुर अपने वाणियों से, मधुर मधुर उस वंशियों से आज तान करती हुई सभी गोपियों के हृदय में, आज हृदय में प्रेम की भावना जागृत होती है। और सभी गोपांगनाएं जो काजल लगा रही थी, उस आवाज को सुनकर के वह काजल आधी लगा करके वह दौड़ पड़ी। एक तो वस्त्र पहन रही थी, उस बंसी के आवाज को सुनकर के उस वस्त्र को ही पहनना भूल करके भगवान कृष्ण की ओर दौड़ चली। एक अपने पति को भोजन करा रही थी और गाय को भूसा डाल रही थी, तभी अपने पति को भूसा डाल करके गाय को भोजन करा रही थी। उस मधुर मधुर वाणियों से आज सभी गोपांगनाओं का चित्त चैतन्य स्वरूप, उनका हृदय आज पागल हो उठा था। तभी गोभी इंद्रे कृष्ण रसम पीवती इति गोपी, जो इस गोपी के भावना को, गोपी के जो गोपियों ने किया। हम तो बहुत कहते हैं कि राम के कर्म को अपने जीवन पर उतारे, कभी भी ये नहीं कहा कि शंकर के कर्म को जीवन पर उतारे। शंकर जी के कर्म को क्यों नहीं उतारे? आपने, आप क्या, आपके में उतनी क्षमता है कि आप 10-20 हजार टन विष का पान कर सके और करने के बाद भी जीवित रह सके? आज भगवान शंकर अनेकों वह नशा की चीजों को प्राप्त क्यों करते हैं? क्योंकि जब जब उस कंठ को विष को विष ही काट पाएगा। और जब हम मनुष्य कुछ विष को पान किए ही नहीं है, तो हमारे में क्या सामर्थ्य कि उस सभी वस्तुओं को, अनर्गल वस्तुओं को हम ग्रहण करें। जब भगवान शिव उस सभी वस्तुओं को क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि विष को विष ही काट पाता है, उस विषैले चीज को
वह विषैला वस्तु ही काट पाएगा। तो बंधुओं, शंकर के कर्म को, शंकर भगवान के कर्म को नहीं, उनके वाणी के माध्यम से निकली हुई श्री राम कथा को हम अपने हृदय में विराजमान करिए। आज साक्षात भगवान शंकर जो अपने मुखारविंद से श्री राम कथा का गुणानुवाद किए, नवधा भक्ति का गुणानुवाद किए, आज इसको अपने जीवन पर उतारे। भगवान कृष्ण के वाणी से निकली हुई हर शब्द को अपने जीवन पर उतारे, राम जी के कर्म को अपने जीवन पर उतारे, ऐसी आदि बात सुखदेव जी कहते हैं। और सुखदेव जी आज श्री रास का प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपास्यता। आज श्री सुखदेव जी इस रास का प्रारंभ भगवान शब्द से किया। बंधु, सुखदेव जी रास पंचाध्याय का प्रारंभ यह भगवान शब्द से करते हैं, क्योंकि बंधुओं, यदि हम राधा रमण के प्रभु के हृदय में अपना सर्वस्व दान कर देंगे, भगवान और देवता, देवता के गण आदि सभी में भी अंतर बताए गए। यह भगवान है क्या? भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश, देवता इंद्र अग्नि आदि वरुण सब हैं, ये देवता गण हैं। और भगवान जो उनसे भी बड़े पद में है, और परब्रह्म परमात्मा जो उनसे भी बड़े पद में है, ये राम और कृष्ण इस विराट स्वरूप से निकले हुए कोई वस्तु नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, ये साक्षात विराट स्वरूप ही जन्म लेकर के आते हैं। यदि आप अभी भी भगवान कृष्ण को साधारण समझ रहे हैं, तो रास के पहले भगवान कृष्ण को अपने हृदय में साधारण ना समझिए, क्योंकि वे स्वयं परब्रह्म हैं, जिन्होंने पुतना जैसे महा राक्षसी जिसका उद्धार करना कई जन्मों का भी कोई नहीं कर सकता, आज भगवान कृष्ण उसे एक क्षण में कर चुके। बंधुओं, इस भगवान शब्द से कई सारे अर्थ भगवान सुखदेव जी कहते हैं। और इस रास के पहले जिसमें छह लक्षण हो वही इस रास में प्रवेश कर सकते हैं। कौन कौन से? बोले उत्पत्ति प्रलयम चैव सृष्टि। यदि उत्पत्ति प्रलयम चैव, यदि सृष्टि कब होगी, कैसे होगी सृष्टि, यदि कोई व्यक्ति जान ले, क्या कोई जान सकता है कि किस सन में, कौन से दिनांक में, कौन से दिन प्रलय होगा, कोई नहीं जान सकता, लेकिन भगवान जानते हैं। जो जान सके उसे रास में प्रवेश मिलता है। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि हमें तो रास में प्रवेश मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो भगवान सुखदेव जी आज कहते हैं, जिस प्रकार से वेद में सीधा सा अर्थ कहा गया, आज वेदव्यास जी कहते हैं कि इस वेद को जनेवधारी पढ़ेंगे, इस वेद को जो शिखा रखा होगा केवल वही पढ़ सकता है, और इस वेद के पढ़ने के बाद अंत में क्या मिलेगा, क्योंकि बंधुओं, यदि हमें वेद में पुरुषार्थ मिलेगा, पुरुषार्थ मिलेगा, तो सीधा सा अर्थ है कि स्त्रियों का जो लाभ है, स्त्रियों का मोक्ष तो हो ही नहीं सकता, अन्य जातियों का मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो उत्पत्ति प्रलयम चैव, ऐसे आदि बात सुखदेव जी कहते हैं। इसके बाद में सभी गोपांगनाएं
आज कृष्ण की मुरली की तान को सुन करके आज दौड़ चलती है। आज कृष्ण मधुर मधुर बाड़ियों से उन सभी का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए गोपांगनाएं, आइए आइए आइए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्ण सभी का स्वागत करते हैं और भगवान कृष्ण स्वागत करके पूछते हैं कि आप इतनी रात को, आज शरद पूर्णिमा का दिन और आप इतनी रात को इस जंगल पर आए हैं, शायद इस जंगल का दर्शन करने के लिए आए होंगे। तो सभी गोपांगनाएं कहती हैं कि नहीं प्रभु, हम इस जंगल का दर्शन करने नहीं, आपका आपके चरण चरणारविंद की सेवा लेने आए हैं। भगवान कृष्ण एक एक परीक्षा लेते जा रहे हैं कि क्या तुमको पति का धर्म नहीं आता, कि तुम उस पति को, पति के धर्म को छोड़ करके आज स्वयं यहाँ पर आ पड़ी। तो भगवान कृष्ण ऐसे आज परीक्षा लेते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक पुरुष अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष, उसके एक वह बालक नींद को त्यागा, नींद से उठा, वैसे ही नींद से उठते ही साथ आज उनकी माता ने दौड़ी उस यज्ञ कुंड की ओर और जैसे ही दौड़ रही थी, दौड़ते ही साथ देखा कि अग्नि की जो झलक थी, जो अग्नि खूब खुश होकर के वहां जल रही थी, और तभी बालक को देखा कि वह बालक उस अग्नि के साथ जल नहीं रहा है, उस अग्नि के साथ वह बालक स्वयं खेल रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे गोपांगनाएं, तुम अपने पति की रक्षा करने के बजाय अपने पति के पातिव्रत धर्म को तुम नष्ट किया है, उनकी सेवा नहीं तुम उनका अपमान किए हो, उनकी सेवा को छोड़ करके आए हो। आज सभी गोपांगनाएं भगवान कृष्ण की बात को सुन करके उनके हृदय में खूब आह्लादित हुआ। वे सभी गोपांगनाएं खूब रोती हुई कहती है कि हे कृष्ण, आप हमको दूर क्यों कर रहे हो? बंधुओं, जब भी आप भगवान के शरण में आएंगे तो भगवान, जैसे जैसे आप अपने शरण में आएंगे वैसे वैसे भगवान आपको दूर हटाने की चेष्टा करेंगे। तुम मत आ मेरे सामने, क्यों? क्योंकि यदि तू आ गया तो मेरा भक्त बनेगा, मेरी रक्षा तुझे करनी पड़ेगी। तो आज सभी पातिव्रत धर्म को तुमने नष्ट किया है। भगवान कृष्ण ने खूब उनको दूर भगाने की चेष्टा की, लेकिन वे सभी परीक्षाओं में वे पास होते रहे, होते रहे, होते रहे। तभी आज श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस रास के भागीदार हो चुके हैं, और उस बात को सुनकर के सभी गोपांगनाएं बहुत खुश होती है, और खुश होते ही साथ सभी गोपांगनाएं कहती है, सभी गोपांगनाएं आज ऐसी रस में डूब जाती है। बंधुओं, मैंने पहले ही कहा था कि कोई स्त्री और पुरुष का मिलन रास नहीं है, यह तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, यह तो प्राण और परमात्मा का मिलन है। परमात्मा मिलन मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा की मिलन मधुमास है, यही महारास है, महारास है, महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है।
परमात्मा की मिलन मधु मात है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा की मिलन मधु यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महा महाराज है, यही महाराज है, यही महाराज है। इस कथा को भगवान कृष्ण सुनाते हैं, इस पुत्र और इस धर्म की कथा को, तभी सभी गोपांगनाएं भी एक कथा सुनाती है। बोले कौन सी कथा? एक बार क्या हुआ, एक पति जो परदेश की ओर जा रहा था धन की प्राप्ति के लिए, आज वहां की गोपांगनाएं यह कथा सुनाते सुनाते कहती है कि कृष्ण एक बार वह पति धन की वृद्धि के लिए परदेश जा रहा था, विदेश जा रहा था, तभी उनकी पत्नी खूब रोने लगी कि मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। तब उसके पति ने कहा कि देखो देवी, मैं तुमको एक मूर्ति प्रदान करती हूँ अपने आप, उस मूर्ति को मैं आपको प्रदान करके अपने सेवा करती थी, वे खूब सेवा करती उस मूर्ति का, सेवा करते करते उस मूर्ति को नहलाती धुलाती। अब एक बार क्या हुआ, वह पति धन की वृद्धि करके फिर से घर की ओर आया, घर की ओर खूब खटखटाता रहा, और वह जो उनकी देवी थी, उनकी पत्नी थी, वे उस पूजा को कर रही थी, और पूजा को नहीं करते करते वे उस दरवाजे को नहीं खोली। तो वहां की गोपांगनाएं कहती है कि ऐसे पति को क्या भरूं, और कहती है कि ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्म में और मर जाए, वर भरिए गोपाल जी जा से छुड़ ओ हमर हो जाए। जिस प्रकार से ऐसे पति को मैं क्यों वर भरूं कि जो शादी के बाद 10 साल बाद जो पधार जाए, मैं ऐसे वर को वरूं जो अमर रहे, और ऐसे कौन सा वर है? बोले श्री कृष्ण, आज वहां की सभी गोपांगनाएं आज रास की ओर चलते हैं, रास में खूब उन्होंने आज भगवान कृष्ण सभी के ऊपर बलगैया डाल डाल करके खूब नृत्य करते रहे, खूब नृत्य करते रहे। तभी सभी गोपांगनाओं के हृदय में एक अहंकार हो गया कि शायद श्री कृष्ण मैं ज्यादा सुंदरी हूँ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। इस अभिमान से सभी गोपांगनाएं कहने लग गई कि हे कृष्ण, तुम मेरे साथ तभी खड़े हो जब मैं ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ। आज सभी के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण उसी समय अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जब भक्ति प्रेम ज्ञान वैराग्य आदि में जब अहंकार आ जाता है, तो एक ना दिन उस रावण रूपी अहंकार का विनाश करने के लिए स्वयं राम और कृष्ण को इस धरती पर आना ही पड़ता है। और जब सभी गोपांगनाओं के हृदय में अहंकार जागृत हुआ, उस अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद में आज सभी गोपांगनाएं पूछती है कि हे तुलसी मैया, तुम तो उनकी पत्नी कहलाती हो, तुम तो उनकी देवी कहलाती हो, शायद आपको पता होगा कि कृष्ण कहाँ गया होगा, आप बताइए ना। लेकिन कोई उदाहरण नहीं देती।
कोई भी अपने मुखारविंद से उनके जाने का बात नहीं करता, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हर कण कण में विराजमान है। वे इस शरीर पर, वे इस धरती पर रह करके भी सबसे इतर हैं। तो तुलसी मैया कैसे बता सकती है और तभी सभी ने खूब कृष्ण की याद की कि हे कृष्ण, तुमने काल्या का मर्दन क्यों किया? हम उसी पानी को पी करके, उसी विषैले पानी को पी करके हम मर जा रहते, लेकिन इस दुख गति की प्राप्ति नहीं हुई रहती, इस दुख पीड़ा की प्राप्ति नहीं होती। आज सभी के प्रेम को मरते देख करके भगवान कृष्ण तब भी नहीं आते जब तक अहंकार है, और सभी गोपांगनाएं अपने हृदय में भगवान कृष्ण को रुदन करते करते सभी गोपांगनाएं रुदु सुस्वरह राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए इस गीत को गाती है। कौन सा गीत? गोपी गीत। आइए हम सब के सब उस गोपी गीत का श्रवण पान करें। यह 19 श्लोकों में गोपी गीत का खूब गान किया। जब उनका अहंकार जब नष्ट हो गया, तभी भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के आज सभी को
कहते हैं कि मैं आपसे दूर नहीं गया था, लेकिन बंधुओं राधा जी के मन में यह अहंकार हो चुका था कि भगवान कृष्ण सभी गोपियों के बजाय मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। और राधा जी कृष्ण के पीठ पर चढ़ने की लालसा चढ़ गई उनको, और तभी उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हुए। अहंकार को चूर करने के लिए भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हुए, और भगवान कृष्ण जैसे ही सभी गोपियों के हृदय में भक्ति को प्रविष्ट होते देखते हैं, वैसे ही वे सभी फिर से श्री कृष्ण को याद करके, फिर से कृष्ण को पुकार करके आज कृष्ण स्वयं आते हैं और रास रचाते हैं। भगवान शंकर उस रास पर आते हैं और रास पर आकर के सभी रास करते करते आज भगवान शंकर वहीं पर एक लिंग के स्वरूप पर आ जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, 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 राधा नाच रे श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे।
भी गोपाल नैवान नृत्य करके बंधुओं जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है वह सभी कामों सभी इंद्रियों को जीत लेता है और जो अपने इस कर्म को अपने जीवन पर उतारता है वह अपने आप मुक्ति गति को प्राप्त होता है। तभी इधर कंस का धीरे धीरे करके मान मर्दन होते गया अर्थात कृष्ण जो भी राक्षस को भेजता वह सब राक्षस मर जाता। क्या किसी राक्षस में सामर्थ्य नहीं जो श्री कृष्ण से लड़ सके। आज संत नारद जी मथुरा में पधारे, कंस ने उनका स्वागत किया, आइए भगवान आइए पधारिए। नारद जी ने कहा क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम कब मरेंगे। अरे अब 11 वर्ष के हो चुके हैं कृष्ण बलराम, उन्हें क्यों नहीं मारते, जल्दी मारो ना। कंस ने कहा क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं उन्हें मारने को, लेकिन वो ही मारे जाते हैं, मैं तो थक गया हूं। तभी मैं थक गया हूँ उनके मारने को लेकर के, तब से मैं राक्षस भेजना ही बंद कर दिया, लेकिन जाते हैं मारने को समाचार मिलता है खुद मर गए। बोले भगवान शिव ने जो धनुष जो तुम्हें दिया है ना, आज नारद जी उनको दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं कि जो धनुष तुमको भगवान शिव जी दिए हैं वो धनुष का एक यज्ञ अद्भुत यज्ञ करो, अद्भुत मेला रचाओ, आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें आमंत्रण करो, कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो, दोनों भैयाओं को उस मेला में आमंत्रण भेजो और उनको लेने के लिए स्वयं भेजो अक्रूर जी को। आज नारद जी की इस उपदेश को सुनकर के कंस ने सही सोचा कि हाँ नारद जी आप सही कहते हैं, यदि मैं अक्रूर जी को भेजा आदरपूर्वक, उनको आदरपूर्वक वे मेला में खूब खेलते खाते और मैं उनको पीछे से मरवा देता, ये आपने सही ज्ञान दिया। तभी कंस ने कहा आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी कार्य पूर्ण होगा भगवान। तभी नारद जी आज उसे ज्ञान की चर्चा सुना करके इधर ब्रजमंडल पर आ जाते हैं। ब्रजमंडल पर कृष्ण से कहते हैं कृष्ण भगवान आप कब मारेंगे, कंस का उद्धार कब करेंगे, इसी दो चार दिनों में आप उनका अंत कर दीजिए। कृष्ण जी कहते हैं कि आप उनको अलग कहते हैं मुझे अलग कहते हैं, तो नारद जी कहते हैं कि किसी दो में एक का ही विजय होगा भगवान और उस एक में आपका ही विजय होगा, चाहे मैं उसे जितना भी आत्मसम्मान दूं, लेकिन वह एक न एक दिन असत्य का पराजय तो होगा ही, तो कंस को आप जल्दी से मारते क्यों नहीं। तभी भगवान कृष्ण ने कहा मैं बहुत जल्दी उनको मारने वाला हूँ, उसका काल बहुत जल्दी निकट आते जा रहा है। कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो कुछ जानता नहीं, लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ कि आप यह बात किसी को नहीं बताइएगा कि मैं उसे मारने के लिए बुला रहा हूँ। अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर जी नारद जी के इस सभी बात को सुनकर के खूब आत्मग्लानी हुई नारद जी को, अक्रूर जी को, और अक्रूर जी खूब रुदन किए कि आज कृष्ण और बलराम भी मारे जाएंगे। अब अक्रूर जी के इस हृदय के आत्मग्लानी को कौन रोके। गक्ष नंद वजम तत्र सुता बान कुदुन मदहि आसा ते ता विहाने नाम रथे नानय माचिरम। आपको वृंदावन जाना है, आज कंस अक्रूर को आज्ञा देते हैं कि आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है, आनंद कुंद भी वसुदेव जी के जो
पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा आना और आकर के उसे आकर के खूब इस मथुरा का खूब गान कराना। अक्रूर जी बोले, जी भगवान, आपके आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आज अक्रूर जी निकल पड़े ब्रज की ओर, आज ब्रज की ओर निकल करके आज निकलते जाते हैं। अक्रूर जी के हृदय में ग्लानि होती है कि हमारे कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे, उनको क्या पता कि ये परब्रह्म है, उनको क्या पता कि ये साक्षात भगवान है। तभी भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा अक्रूर जी को, आइए काका, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। अक्रूर जी ने कहा कि आपको मारने के लिए कंस बुलाया है। बोले कृष्ण ने उनको चुप कराया कि यह बात किसी को ना कहिएगा ब्रज में, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। तो अक्रूर जी को खूब समझाया कि इस बात को किसी को नहीं बताइएगा, आपने मुझे कह दिया तो कह दिया, लेकिन इस बात को किसी को ना कहिएगा। आज अक्रूर जी उनके बात को मान करके आज आगे बढ़ते जा रहे थे। भगवान कृष्ण अपने गौ माताओं को लेकर के जा रहे थे, अक्रूर जी उनके चरण को देखते हैं, उनके चरण में साक्षात धर्म विराजमान है, उनके चरण में ध्वजा है, उनके चरण में शंख है, उनके चरण में गदा है, अस्त्र शस्त्र है। आज उस पद चिन्हों को देख करके असमंजस में पड़ जाते हैं अक्रूर जी। अब अक्रूर जी को क्या पता कि ये भगवान है, अक्रूर जी तो जा रहे हैं। उस पद चरण वृंद को अक्रूर जी स्वयं अपने माथे पर तिलक करते हुए जा रहे थे। आज जाते जाते नंद बाबा उनका खूब स्वागत किए, आइए अक्रूर जी, आपका स्वागत है, आइए। अब उनको भोजन उजन करा गया, अतिथि के भवन पर उनको रखा गया। अब रात हो गई, रात को नंद बाबा गए, उनसे पूछे कि आपका आगमन कैसे हो गया, इस कुटिया में आपका आगमन कैसे हुआ, भगवान आप बताइए। तो अक्रूर जी ने आज उनकी उदारता को देख करके कहते हैं कि नंद बाबा, भगवान आज कृष्ण और बलराम को कंस अपने उस धनुष के यज्ञ पर बुलाया है, तो मैं उन्हीं को ही लेने आया हूँ। आज कंस ने मुझे भेजा है कि उन दोनों बालकों को आदर के साथ लेकर के आइएगा। तो अक्रूर जी का बात मान करके नंद बाबा बहुत खुश हुए कि आज स्वयं कंस राजा हमें याद किए। तभी जैसे ही वह खाती हुई यशोदा के कान पर पड़ा कि कृष्ण अब ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, अब जैसे ही उनके कर्ण रंध्र पर यह बात पड़ी कि भक्ति मेरा पुत्र कृष्ण मुझसे दूर हो रहा है, आज यशोदा मानो यशोदा के प्राण छीन लिए हो, ऐसे आज उनके प्राण स्वरूप को मानो छीन लिया हो, आज स्वयं यशोदा उससे नहीं, अक्रूर जी को बहुत समझाती है कि नहीं भगवान, मैं अपने प्राण प्यारे केशव को नहीं भेज सकती, आप मुझे ले चलिए, आप बाबा को ले जाइए, लेकिन कृष्ण को ना ले जाइए। आज अक्रूर जी को खूब समझाते हैं। तभी कृष्ण का आगमन हुआ, कृष्ण ने कहा, अरे माँ, कब तक हमें रोकती रहोगी। और नंद बाबा भी कहते हैं कि यशोदा इन्हें जाने दे, एक ना एक दिन तो इन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा,
एक न दिन इस नंद के गद्दी पर इन दोनों को विराजमान होना ही पड़ेगा। तो इन्हें भेज दीजिए। तभी यशोदा माँ मानो और टूट पड़ी। आज यशोदा माँ को मालूम चला कि कृष्ण आज हमसे दूर जा रहा है। यह बात धीरे 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 सभी व्रजवासियों को फैल गया कि आज स्वयं अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए हैं। आज कृष्ण को हम सबसे दूर कर रहे हैं। यह अक्रूर है कि क्रूर है? अरे अक्रूर जी, आप कोई देवता के रूप लगते हैं, लेकिन आप तो हमारे लिए क्रूर बनकर के आए हैं। अक्रूर नहीं, जो हमारे प्राण को लेकर के जा रहे हैं, यह शरीर रह करके क्या करेगा? यदि आप कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया कि मैं जब तक वापस ना आ जाऊं इस ब्रज में, तब तक तुम मथुरा पर अपना चरण रखना ही नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। आज सभी गोपांगनाएं कहती हैं कि जैसी आज्ञा कृष्ण की। आज कृष्ण को जिसमें आनंद आए, यदि कृष्ण को हमको रुलाने में आनंद है तो हम उस दुख को भोग लेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन कृष्ण के सुख को हम नहीं मार सकते। आज सभी गोपांगनाएं खूब रुदन करती हुई आज कृष्ण को भेजती है। कृष्ण को तो भेजने की बात कही ही नहीं है, अर्थात कृष्ण को खूब कहती है कि ना जाओ कृष्ण। कृष्ण उनको बना करके चले जाते हैं कि मैं परसों लौटूंगा। आज रथ पर सवार हो जाते हैं। रथ पर सवार होकर के आज कृष्ण निकल पड़ते हैं उस मथुरा की ओर, उस असत्य की ओर, उस असत्य का भेदन करने के लिए। आज सत्य का बाण, आज सत्य का तीर चल पड़ा है। आज श्री कृष्ण चल पड़े हैं उस मथुरा में। तभी सभी गोपांगनाएं आज उस रथ को देख रही हैं। अब तो धीरे धीरे वह इतना दूर चला गया कि वह रथ भी दिखना बंद हो गया। अब ध्वजा का दर्शन हो रहा है, अब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया। अब केवल धूल उड़ रही है। अब धीरे धीरे वह धूल भी शांत हो गया और वह धूल शांत होकर के आज सभी गोपांगनाएं मानो प्राण को खींच लिया हो तभी जा रहे हैं। अक्रूर जी यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, इधर भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। इधर यमुना नदी में देखते हैं कि भगवान कृष्ण, और ऊपर देखते हैं तो भी भगवान कृष्ण। ये क्या है, ये क्या स्वरूप है? तो फिर अक्रूर जी को एक आत्मज्ञान होता है कि इन्हें ना ही कोई पराजय कर सकता है। जल में तुम ही, जल में तुम ही, जल राजा रंग बनाए
रंग को तू ही राज बिठाया, रंग को तू ही राज, तेरी ही राजी समान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर विष्णु भले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला खुले विष्णु विष्णु व्याप्यमय जैसे ही अक्रूर जी उस यमुना पर देखते हैं तो वही भगवान कृष्ण, आज बाहर देखते हैं तो वही भगवान कृष्ण, ये क्या हो रहा है? तभी अक्रूर जी को हुआ कि ये कोई मानव नहीं है, ये कोई प्राणी नहीं है, ये कोई शरीर नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म है, इन्हें कोई नहीं मार सकता। अब तो अक्रूर जी बहुत आनंदित हो गए। जो उनका दुख था कि आज कंस मार देगा इनको, लेकिन आज कहने लग गए कि वह कंस की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान कृष्ण के एक रुए को हिला सके। और आज अक्रूर जी को ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान की बात कही, तभी वे दोनों आगे चलते आज मथुरा नगरी की ओर प्रवेश कर गए और मथुरा की ओर देख रहे हैं। चारों वहां की सभी आज स्त्रियां, वहां की सभी नारियां आज कृष्ण की ओर देख रही हैं। वाह, कैसा स्वरूप है इनका! आज उनके स्वरूप को देख करके सभी भाव विवल हो गई। और जाते जाते भगवान ने मामा कंस ने उधर आज्ञा दे दिया था कि कोई भी बलराम और कृष्ण का स्वागत करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगी। मथुरा के अंदर आने के बाद उसका कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन सभी वहां की नारियां आज भगवान कृष्ण के ऊपर फूल बरसा रही है, सभी उनका स्वागत कर रही है। बंधुओं, जहाँ पर साक्षात त्रिलोक के स्वामी जहाँ पर जा रहे हैं, और वहाँ ऐसा हो सकता है क्या कि उनका स्वागत ना हो? आज वे जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनका स्वागत हो रहा है। तभी जाते जाते एक धोबी से मुलाकात हो गई, और तभी वह धोबी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप हमारे इस कपड़े को मामा धो दीजिए। बंधुओं, जो जब मामा के यहाँ जाते हैं तो सभी मामा ही मामा दिखते हैं। तभी धोबी मामा से कहा कि मामा इसे धो दीजिए। अब मामा तो कहे कि यहाँ साक्षात राजा कंस का कपड़ा धुलता है और आप ग्वारी, आप कहाँ के ग्वारे हैं, यहाँ के आप तो दास भी बनने के लायक नहीं है,
ऐसे असभ्य भाषा से बात की। तभी सभी उनके मित्र सखा बंधु कहते हैं, कृष्ण जिन हस्त कमलों से तूने पुतना का उद्धार किया था उसी हाथों से आज इसका भी उद्धार क्यों नहीं कर देता। तभी कृष्ण ने आज अपने दोनों हाथों को कोमल कोमल हाथों को वज्र की तरह बना करके आज जिस धोबी ने जो धोबी जिस लकड़ी से अपने कपड़े को खूब मार मार करके धोया करता था आज उसी लकड़ी से भगवान कृष्ण ने उठाया और उठा करके आज धोती। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो सीधी धड़ से अलग हो गए। अब तो घाट पर जितने भी धोबी थे अब सब भयभीत होकर के भागे भागे, भैया भागो पुतना मारने वाला आ गया है, भागो भागो अशक्तासुर मारने वाला आज हमारे सामने आ गया, भैया भागो भागो। आज सभी धोबियां भागने लगी भागने लगी। कन्हैया बोले, भैया जितने वस्त्र चाहिए पहन लो। आज नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा इनकी दुकान से जितनी वस्त्र चाहिए जितनी वस्त्र पहनना सब पहन लो। आज उनके वस्त्र को पवित्र करते हुए जाते हैं और जाते जाते एक दर्जी मिल जाता है, एक दर्जी मामा के यहाँ चल देते हैं। भगवान एक दर्जी के घर पर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, उसने स्वरूप के अनुकूल वस्त्रों को बनाया और बना करके भगवान कृष्ण को एक प्रेमस स्वरूप का निर्माण कर दिया, एक भगवान का स्वरूप का निर्माण करके तथा सुदाम नामनो भावनम मलाकारस्य जमनुतः एक सुदामा नाम के माली के घर गए। आज कपड़ा पहने कपड़ा के बाद अब माला भी पहनना जरूरी है, तभी तो अच्छे से श्रृंगार होगा। तभी सुदामा माली के यहाँ पधारे और सुदामा नाम के माली के घर गए। उसने सबको माला पहनाई, कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान दिया। सबने वस्त्र पहनने के बाद माला पहनी, अब कमी रह गई थी चंदन की। राजमार्ग में श्री कृष्ण अब सखाओं के संग जा रहे हैं। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी जा रही थी, तीन जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, वह चेहरा उनका चेहरा बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही विभक्त था, काली थी, लेकिन उसके हाथ में चंदन का कटोरी था और वे जा रही थी। जो भी मथुरा के मेले पर आता उस सभी के मस्तक पर वह चंदन लगा रही थी। तभी कुरुपिणी होने के कारण कुरुपिणी होने की वजह से उनको कोई भाया नहीं करता था, लेकिन भगवान कृष्ण उसे स्वामिनी करके पुकारते हैं, सुंदरी करके पुकारते हैं। और जैसे ही ऐ सुंदरी, जैसे श्री कृष्ण ने उस सुंदरी को पुकारा वैसे ही उस बात को सुनकर के वह भाव विभोर हो गई, अपने आमने सामने देखने लगी, कौन है जो मुझसे से अधम थे अधम हीन में नारी, मुझसे से हीन नारी को जो सुंदरी करके पुकार रहा हो। तभी वह पुकार रहे थे, मेरे गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखते, किसी के इस शरीर को नहीं देखते, मेरे गोविंद तो उसके हृदय के भक्ति के भाव को देखते हैं।
कृष्ण कभी यह नहीं देखता कि वह व्यक्ति गोरा है कि वह व्यक्ति कारा है। अपने आभूषण को नहीं देखता कि वह कौन सा आभूषण पहना है। उसके उम्र को नहीं देखते भगवान कृष्ण, उसके हृदय के भक्ति को देखते हैं भगवान कृष्ण। संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग उस कुरुपिड़ी नारी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब वो गोविंद के बगल में होकर के निकली तो मेरा गोविंद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़े स्नेह प्यार से पूछा, ऐ सुंदरी आपका परिचय दीजिए ना। तो कृष्ण ने पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहती हैं। और उन्होंने भी कृष्ण से पूछा, तभी उन्होंने अपना नाम बताया। कृष्ण ने पूछा, आप हाथ में जो चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं, आपको बहुत अच्छे लगे तो अपना परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छा लगे तो चंदन हमें लगा दीजिए। उनके तो मन में रसगुल्ले फूट रहे थे कि कब इनके मस्तक का मैं स्पर्श करूं। अपनी साड़ी के पल्लू को हटा करके गोविंद को देखा और वो गदगद हो गई। हृदय में आनंद रूपी हिलोरों से उनका आनंद स्वरूप समुद्र आज उफलने लगा, जिसके नेत्रों के सामने साक्षात कृष्ण का दर्शन हो जाए। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा। कृष्ण बोले, हाँ तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूँ देवी, तुम कौन हो। तो मैं कंस की हूँ, मैं इस मथुरा में रहती हूँ, इस कंस की दासी हूँ। मेरा नाम तो सैरंद्री है, लेकिन कमर तीन जगह से टूटी टूटी है, कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं, ऐसे अनेकों असभ्य नामों से मुझे जानते हैं। और लेकिन आपने आज मेरे नाम को एक उच्च गति प्रदान की, आपको धन्य है प्रभु, आपने मुझे सुंदरी कहकर पुकारा। आज भगवान कृष्ण दुनिया को, बंधुओं दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा। यह कुब्जा बता रही है कि यह पूरे मथुरा वासियों ने कभी भी मेरा परिचय नहीं पूछा। मैं कौन हूँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन आज तक किसी ने नहीं लगाया। लेकिन वह महाराज कंस को बड़ा प्रिय रखता है। वह महाराज कंस चंदन को मैं उनके माथे पर तिलक करती हूँ। तभी भगवान कृष्ण ने कुब्जा को कहा, सुंदरी क्या आप मेरे मस्तक पर भी लगाने की कृपा कर सकती है क्या? क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? सबरी पूछती है कि आप वह पूछती है कि आप मेरे इस हाथों से, इस हीन हाथों से, इस हदम अधम नारी से घिसी हुई चंदन को स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, हाँ करूंगा, आप लगाओ। तो उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को चंदन लगाया, कृष्ण को चंदन लगाया। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्ति तरुणी कराग्र विलसत् कल्प प्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी शस्त्र शस्त्र निबद्ध विशत गोपी सहस्रावृतम
हस्तन्यस्तन ताप वर्ग वकिलो दारम किशोरा कृते दारम किशोरा कृते। आज कन्हैया ने गुप्जा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बाल कृष्ण ने उसकी थोड़ी से तीन उंगलियों को पकड़ा, तीन उंगलियों को लगाई और जरा सा झटका दिया। उस झटका मात्र से वह सुंदरी बन गई। बंधुओं, यदि आप भी भगवान कृष्ण को चंदन का लेपन करेंगे, चंदन चढ़ाएंगे, तो आप भी सुंदर बन सकते हैं। क्या भगवान केवल चंदन लगाने मात्र से मनुष्य को सुंदर बना देंगे? बोले हाँ, भगवान कृष्ण केवल चंदन लगाने मात्र से भगवान कृष्ण सबको सुंदर बना देते हैं। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया। जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तभी प्रत्यंचा से ही भगवान कृष्ण उस धनुष का भी तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में आज भगवान कृष्ण उस धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस का जो हृदय का जो क्रोध था, क्रोध अग्नि थी, अब से गरज पड़ी और खूब गरज गरज करके अब तो उसके श्वास पर श्वास ना रहा। वो तो अब डर गया कि अब मेरी प्राणांत निश्चित है। अब जैसे ही महाराज दुखद समाचार को सुने कि धनुष तोड़ दिए भगवान श्याम, तभी उस दुखद समाचार को सुनकर के कंस बहुत आत्मविभोर हुआ, दुखी हुआ कि अब तो मेरा मृत्यु निश्चित है। तभी भगवान कृष्ण ने आज जा रहे हैं कंस ने बाहर एक हाथी को भेज दिया, पागल हाथी को, और भगवान कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांतों को पकड़ करके आज ऐसा गोल घुमाया कि वह जो हाथी पागल था, आई वह जाकर के यमुना नदी के विश्राम घाट पर जाकर के उसका भी प्राणांत हुआ। अब और आगे जा रहे हैं भगवान कृष्ण। अब जाते जाते चाणूर मुष्टिक जैसे महाबली, जिनके एक एक भुजाओं में हजारों हाथियों की तरह बल है, चाणूर मुष्टिक का भी उद्धार किए भगवान कृष्ण। अब कहते हैं, क्यों मामा, अब किसको मुझे मारने के लिए? मेरे हाथों में अभी भी बहुत खुजली है, जल्दी से कोई और को भेजिए। अब कंस के सारे दूत अब समाप्त हो चुके थे, अब कंस अकेला पड़ चुका था। तभी भगवान कृष्ण ने जाकर के आज कंस के द्वार पर चढ़ा, कंस को उस सिंहासन से उठा करके उनके केशों को पकड़ा और केशों को पकड़ करके कहते हैं, मामा तुमने भी मेरी माँ देवकी के केशों को पकड़ करके खूब रुलाया था, उस दिन को याद करो। आज कंस खूब दन करता है कि भांजे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसा अधर्म नहीं करूंगा। बंधुओं, जब भी व्यक्ति अकेला पड़ता है तो दुख में उसे भगवान ही दिखते हैं। आज कंस खूब भगवान को बनाने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान उस केशों के बदला को तो जरूर लेंगे। आज भगवान केशों को उठाए, केशों को पकड़ करके चारों दिशाओं में खूब घुमाया, घुमा घुमा करके आज यमुना नदी के विश्राम घाट पर आज वह उनका शरीर, आज कंस का शरीर जा करके धड़ाम से गिरता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कंस निकंदन भगवान की। आज कंस के हनन करते हैं भगवान, कंस को मार देते हैं भगवान। आगे श्री कृष्ण बलराम जी आज वहीं पर
अपने माँ माता और पिता से मिलते हैं, सभी जितने भी वहाँ की अंदर जेलों के अंदर जितने भी मनुष्य थे सबको उन्होंने स्वतंत्र किया। आज अपने माता पिता के चरण को प्राप्त किया, अपने नाना को उन्होंने राजगद्दी पर स्थापित किया। तभी कृष्ण और बलराम को देख करके देवकी और वसुदेव खूब भाव विभोर हो गए। आज हमारे पुत्र इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, आज 11 वर्ष के हो चुके हैं। इस बात को सुन करके आज देवकी का मानो जो भक्ति स्वरूप था, जो भक्ति का रूप था, आज वो स्वरूप में आ गया था। और देवकी भगवान कृष्ण और बलराम से पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारा यज्ञों को संस्कार हुआ है, क्या तुमने गुरुकुल की दीक्षा प्राप्त की है। तभी भगवान कृष्ण और बलराम कहते हैं कि नहीं माता, हमने अभी तक गुरुकुल की दीक्षा प्राप्त नहीं की, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त नहीं की। तभी आज वसुदेव जी बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला करके आज उपनयन संस्कार कराते हैं और आज उज्जैन में शांति बनी गुरुकुल में आज भगवान कृष्ण को भेज दिए। भगवान कृष्ण 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख करके आज गुरु गृह गए पढ़न दुराई, गुरु गृह गए पढ़न देव की शेष कथा करते हैं, हम महाकाल की नगरी में रहते हैं, व्यास देव की शेष कथा करते हैं, गुरु गृह गए पढ़न दुराई, गुरु गृह गए पढ़न दुराई, अल्पकाल भी व्यास बयाई, कलाओं को सीख करके भगवान कृष्ण आज मथुरा की ओर आते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी से मिलन होता है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण के ये अत्यंत प्रिय मित्र है तो उद्धव जी
बंधुओं, भगवान कृष्ण जैसे ही मथुरा पर आते हैं, सुबह उठते हैं, अपने से दातुन करते हैं, अपने से भोजन प्राप्त करते हैं, और जब यशोदा की याद आती है कि माता यशोदा मुझे उठाती थी, ऐ कृष्ण उठ जाओ, अब भोर भई है, मुझे भजन गा गा करके खूब उठाया करती थी, लेकिन आज कोई नहीं रहा। आज देवकी कहती है कि कृष्ण मैं तो नहीं जानती कि तुझे कैसा उठाया जाता है, कृष्ण मैं तेरी सेवा करने की भागीदार नहीं हूँ, तू मुझे क्षमा करिएगा। हे कृष्ण, आज कृष्ण का व्रज में, आज व्रज का खूब याद आ रहा है कृष्ण का, आज भगवान कृष्ण उस व्रज की याद कर करके खूब रो रहे हैं। रोते रोते आज तभी देखा उद्धव जी ने कि कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो, दो चार गोपांगनाएं के लिए तुम रो रहे हो, ऐसे राजगद्दी का तुमको भागीदार बना दिया गया है, राजा बना दिया गया है, और उस गांव के नारियों के लिए तुम रो रहे हो। तभी उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने ब्रज यात्रा के लिए भेजा कि इसका प्रमाण मैं नहीं दे सकता, उद्धव मैं प्रेम की गाथा नहीं गा सकता, बंधुओं ज्ञान की गाथा गाना बहुत आसान है, वैराग्य की गाथा गाना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति की गाथा गाना बहुत कठिन है, प्रेम की गाथा गाना बहुत कठिन है। इसलिए प्रेम और भक्ति ये इमोशनल है, इसे कह नहीं सकते, इसे तो आभास किया जा सकता है। आज उद्धव जी को भेज दिया गया ब्रज की ओर, आज ब्रज यात्रा की ओर आज चल पड़े हैं उद्धव जी, अपनी ज्ञान के अहंकार को लेकर के कि मैं तो वेद का, शास्त्र का, उपनिषद का ऐसा ज्ञाता हूँ, ऐसे अपने वेद के मंत्रों में उनको ऐसा घुमाऊंगा कि वो कृष्ण की याद भूल जाएंगे, इस मंत्र की याद में अपने आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब उद्धव जी अपने ज्ञान के अहंकार पर जा रहे हैं ब्रज की ओर। बंधुओं, मैंने कहा था कि अहंकार की जीत कभी हो ही नहीं सकती, आज उद्धव जी अहंकार को लेकर के जा रहे थे, आज उद्धव जी को अपने पिताम्बर को धारण कराया श्री कृष्ण जी। यदि तुमको इस ज्ञान की कहीं ज्ञान की भाषा को सुना रहे हो, कहीं मेरे सखाएं तुम्हारे ऊपर पत्थर ना फेंक दे, इसलिए तुम इस पिताम्बर को ओढ़ लो, तो इस पिताम्बर को उनको प्रदान करके आज उद्धव जी जा रहे हैं। ब्रज की गलियों पर पहुंचा, सभी गोपांगनाएं, सभी सखाएं, सुदामा आदि सखाएं देखते हैं कि कृष्ण आ गया। राधा जी बैठी रही कि उसने मुझसे झूठ बोल करके कहा था कि मैं परसों आऊंगा, और परसों हो गए, अभी तक नहीं आए, और आज आ रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। श्याम सुंदर नहीं आए, पर सारे तो बीत गए, श्याम सुंदर नहीं आए, पर सारे तो बीत गए, श्याम सुंदर नहीं आए। सावन बुंदिया रिम झिम बरसे भादो कड़क डरवावे, सावन बुंदिया रिम झिम बरसे भादो कड़क डरवावे, श्याम सुंदर नहीं आए, पर सारे सुंदर नहीं आए।
राधा जी बैठी रही, मैं नहीं जाऊंगी कृष्ण से मिलने जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे। आज सभी दौड़े दौड़े जा रहे हैं, एकदम मानो पूरा ब्रज में मेला छा गया हो कि आज स्वयं कृष्ण आ गए। आज कृष्ण की याद में जो पूरे ब्रज में जो दुख का समुद्र बह रहा था, आज वह सब सुख के समुद्र में परिवर्तित हो गए, मानो आज कृष्ण आ चुके हो। जैसे सब के सब ने दौड़ा, अब तो कृष्ण का की जैसे पीताम्बर दिखने लग गई, और खुश हो गए सभी ब्रजवासियां। और आज कृष्ण के जैसे ही उद्धव जी का दर्शन किया तो सभी ब्रजवासियां उद्धव जी के पीछे देखती हैं, और कोई रथ आया क्या? आज पूरे उद्धव के रथ को एक एक कोने कोने को जब तक वहां के सभी सखाएं नहीं देख लिए तब तक वे शांत नहीं बैठे। आज उद्धव जी पूर्णतः ज्ञान दे दिए कि नहीं आए हैं कृष्ण, नहीं आए हैं कृष्ण। तभी उद्धव ने कहा कि भगवान कृष्ण जो 11 वर्ष इस ब्रज में, इस ब्रज की भूमि में रहे, वह नंद भवन कहाँ है? तो वहां के सारी सखाएं, सारे ब्रज के सखाएं कहते हैं कि उद्धव जी, ये जो नदी बह रही है ना, ये नदी के ही तीरे तीर, इस नदी के ही छोटे से रास्ते पर नदी को तैरते हुए चल देना, और जहां पर यह नदी, जहां पर इस नदी का उद्गम हो, उस नदी पर रुक जाना, वहीं पर मान लेना कि कृष्ण का जन्म हुआ है, वहीं पर मान लेना कि कृष्ण खेले हैं। अब उद्धव जी उस नदी को पार करते करते जा रहे हैं, देखा तो नंद भवन के अंदर गए, समुद्र का उद्गम कहाँ हुआ है? अब वो देखने लगे, वे तो ज्ञानी पुरुष हैं, कर्मयोगी हैं, ज्ञान योगी हैं, वे देखने लगे। तभी देखा कि यशोदा के नेत्रों से यह सारी अश्रु बिंद पात हो रही है, क्या यही वह समुद्र के रूप में परिवर्तित हो चुके? बोले हाँ, यह जो नेत्रों से गिरने वाली अश्रु है उद्धव, यही आज नदी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। अब तो उस प्रेम की परिभाषा की बेड़ी, जो बैरियर थी वो टूट गई, उनकी ज्ञान का अहंकार उसी समय भंग हो गया। अब उद्धव जी जा रहे हैं नंद राय जी को खूब ज्ञान की चर्चा किए कि वे तो उनके पुत्र हैं, आपके पुत्र नहीं थे। वे खूब ज्ञान की वेद वेदांत की शास्त्र सुनाते हैं सभी गोपांगनाओं को बैठ करके, लेकिन कोई उनके ज्ञान की चर्चा को नहीं सुनता। और यहीं से प्रारंभ होती है भ्रमर गीत। यह भ्रमर गीत है क्या?
मैंने कल कहा था दशम स्कंद में तीन गीत है, भ्रमर गीत, गोपी गीत और जो कल श्रवण किए थे वो कौन सी? ऐसी तीन इस दशम स्कंद के अंदर ये तीन गीत हैं, इसमें से जो आखिरी गीत है वह है भ्रमर गीत। जैसे ही भ्रमर गीत में प्रवेश किया सुखदेव जी ने, परीक्षित जी भाव विभोर हो गए। आज उद्धव जी बहुत ज्ञान की चर्चा करने लगे, परीक्षित जिस प्रकार से मैं तुम्हें पहले कर रहा था। मधुपकितव बन्धो मास्त्रिशां दिंसपत्न्या कुज विलुलित माला कुमकुमश्मसुभेनः। मधुपकितव बन्धो, हे राधा रानी, आज उद्धव जी राधा रानी के पास पहुंच जाती है, दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनके ज्ञान को कोई नहीं सुनता, केवल प्रेम ही प्रेम उनके हृदय में विराजमान है। और जैसे ही राधा रानी एक भ्रमर को देखती है, वह भ्रमर और उस भ्रमर से कहती है, अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है? मैं जान ली हूं कि तू भगवान कृष्ण का भेजा हुआ दूत है, तू जरूर हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहा है भौरा, मैं जान गई हूं। ऐ मधु, तुम्हारी परीक्षा ना ले। जिस प्रकार से एक कमल पर वह भौरा बैठा क्यों ना वह कमल फिर से डूब जाए। वह कमल जब तक खुल नहीं जाता तब तक उस सुगंध के लिए वह भौरा उस कमल पर विराजमान रहता है। राधा रानी कहती है कि जिस प्रकार से तुझे उस कमल के फूल के सुगंध से तुझे प्रेम है, उसी प्रकार से यदि तू 100 बार भी कमल के फूल के प्रेम की व्याख्या करेगा तो भी मेरे प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता दिया भौरा। अरे भौरा, मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन वह कृष्ण अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, उड़ जा रे भ्रमर तोहे मारूंगी, सुखदेव जी परीक्षित जी को देते हैं। आइए हम भ्रमर गीत को यहीं पर प्रणाम करते हुए
आगे चलते हैं। बंधुओं इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध की ओर चलते हैं। कंस के दो पत्नी थी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। मैं आपसे एक बात कहूं, कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की पत्नी दो है, अस्ति और प्राप्ति। भागवत में लिखा है अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसरस्य महिष्मास्मो भरतर्षभः। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति है। अस्ति माने होता है और प्राप्ति माने होगा। ये इसके दो अर्थ हैं। करोड़ों का व्यय यदि अस्ति और प्राप्ति, इसका अनेकों अर्थ कहे हैं। जब जरासंध ने अकेले 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। कृष्ण जैसा, उनके जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है। अब 17 बार उनको हरा दिया। एक कालयवन नाम का राक्षस आया, जरासंध जा रहा था, तभी एक कालयवन नाम का राक्षस आया। प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया और प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। तो 18वीं बार पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा, पंडित जी मैं एक बार और कृष्ण के पास सिद्ध करने जा रहा हूँ, और यदि इस बार मैं हार गया तो आपका शरीर, मानो आपका सिर्फ शरीर ही रह जाएगा, आपका प्राण फिर रहेगा ही नहीं। अब सभी पंडित उस बात को सुन करके अब कैसे समझावे कृष्ण को कि कृष्ण से ना हराना, नहीं तो हमारा मृत्यु हो जाएगी। अब कृष्ण तो भक्त वत्सल है, भक्तों के आवाज को जल्दी सुन लेते हैं। तभी पंडितों ने कहा, यदि इस बार कृष्ण हरा गया तो आप 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दी जाएगी। अब पंडित लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर के मथुरा आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी, नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले, आ गए तो क्या आने दो, कौन नाना जी कौन है? बोले, जरासंध ही नाना है, नाना के स्थान पर रहने वाला सब कोई नाना ही नाना है। कृष्ण बोले, क्या कहते हो? बोले, तभी कृष्ण ने उस सभी ब्राह्मणों के बात को सम्मान रखने के लिए, ब्राह्मणों को सूली पर न चढ़ने देने के लिए, आज भगवान कृष्ण भाग रहे हैं। तभी भागते भागते उनका एक नाम पड़ा, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। उनका नाम पड़ा रणछोड़। बलराम बोले, ये क्या कर रहे हो कृष्ण? तुम जो इतने बड़े बड़े सभी का, राक्षसों का उद्धार किया, आज वो एक राक्षस से डर करके भाग रहे हैं। कृष्ण बोले, तभी कृष्ण जी कहते हैं कि यह मेरे भक्तों की लाज जाएगी, मेरी लाज नहीं, मैं तो अभी इसे भस्म कर दूं, लेकिन मेरे भक्तों की उस आवाज को, मेरे भक्त बड़े भगवान नहीं, यह भक्त है ना, इनकी आवाज को सुनना ही पड़ेगा। तभी भगवान कृष्ण उनके बात को सुन करके आज रण को छोड़ करके भाग रहे हैं जरासंध के आगे आगे। भागते भागते भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी उस पर्वत पर, चारों ओर से प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा हैं, उन्हें याद दिया कि विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर से द्वारिकापुरी का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद यह सोने के द्वारिकापुरी है।
बहुत सुंदर आज समुद्र के अंदर इस स्थान का निर्माण कर देते हैं। एक रात में यह पूरी द्वारिका बन जाती है। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। रैवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती और रेवती का विवाह बलराम जी से किया गया। और द्वारिका सब कोई बोले द्वारिका नाथ की जय। यहाँ से रेवती बलराम जी का विवाह हुआ। कृष्ण बोले द्वारिका के राजा तो हम हैं, लेकिन बड़े भैया बलराम जी को, वो मेरे से बड़े हैं उम्र में, इसलिए उनको पहले ब्याह कराऊं। और उनको ब्याह करा करके आज रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से आज उनका विवाह हुआ। एक भीष्मक राजा है जो कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक, उनके पांच पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। पांच पुत्रों के बाद भी कोई पुत्र नहीं है। मन में बड़ी बेचैनी थी। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालक मिल गई। उसी का नाम पड़ा बोलिए रुक्मणी मैया की जय। आज समुद्र में वह कमल के ऊपर रुक्मणी मैया मिली। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसके गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। वो लक्ष्मी जानकी बनी, वही लक्ष्मी राधा बनी, वही लक्ष्मी रुक्मणी बनी। वो प्रकट हुई पृथ्वी से और वही जानकी रुक्मणी बनी। तो प्रकट हुई कमल से भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर के बोले हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया। मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। आजकल कृष्ण द्वारिका आ गए हैं, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं सुनता। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की और पिताजी से बोला पिताजी परसों स्वयंवर का कार्यक्रम रखा जाएगा। बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, इनकी विवाह की तैयारी करा दो। तभी रुक्मणी को जब शिशुपाल से विवाह का जब यह संबंध जब उनके कर्ण पर सुनाई पड़ी, आज रुक्मणी बहुत दुखी होती है। तभी रुक्मणी कहती है कि भाभी मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को अपने पति के रूप में देखा था। बचपन से ही उनके गुणावली को सुन करके इस नवधा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति है श्रवण। उस श्रवण मात्र से मैं भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, तो अब मैं दूसरे को पति के रूप में स्वीकार कैसे कर सकती हूँ। तभी उनकी भाभी ने कहा कि तुम वचन मत हो, आपके पिता सब मना लेंगे। तभी उनकी भाभी कहती है कि मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के पास, भगवान श्री कृष्ण को भी स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वर मारा डाल, उसके सबके सामने भगवान कृष्ण के पास जा करके वर मारा डाल देना और उसी समय हो जाएगी आपका विवाह। और यदि ऐसा नहीं होगा तो लेकर के भग जाना। आज जो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और ये पत्र में द्वारिका इस पत्र को पंडित जी के द्वारा द्वारिकापुरी पर भेजा गया। कितनी सुंदर पत्र लिखती है और दर्शन करें उस पत्र का। हे गोपाल, यह पत्र लिख रही है रुक्मणी जी। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को ही सुना है, श्रुत्वा आपके गुणों को ही सुना है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, श्रवण मंगलम। इसलिए रुक्मणी लिखती है मैंने आपको आंखों से दर्शन तो नहीं किया की हूँ, लेकिन आपके गुणों से अपने हृदय में आपका दर्शन कर चुकी हूँ भगवान। तभी रुक्मणी ऐसे दिव्य पत्र को
द्वारिका दीप की ओर भेजती है। ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झलक को सुन करके विमोहित हो सके। आजकल की तो नारी बिन देखे ऐसा हो ही नहीं सकती। और रुक्मणी केवल नारद जी के मुखार बिंद से उनके गुणावली को सुन करके आज विमोहित हो गई। तभी भगवान कृष्ण, बंधुओं जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जावे, ये तो बड़े संकोच की बात है। मेरे शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी विवाह कर नहीं सकती। आप नहीं आए तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और से मैं शिशुपाल की ओर देखूंगी भी नहीं, दृष्टिपात भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे पातिव्रत धर्म का नष्ट हो जाएगा। और तभी भगवान कृष्ण उनके पत्र को पढ़ते हैं। अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि ऐसा सोच रहे हैं गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है, और आज रुक्मणी जी स्वयं कात्यायनी की पूजन करने जा रही है। आइए भजन के माध्यम से कात्यायनी के पूजन करें हम सब के सब। गौरी दरबार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो रे सखी पूजिया में, गौरी पूजिया में, पूजिया में, पूजिया में, पूजिया में, कात्यायनी की पूजन करने जा रही है। कात्यायनी माता से मांग रही कि हे प्रभु, हे माता,
मैंने अपने पति के रूप में भगवान कृष्ण को अपना पति के रूप में देखी हूँ, तो आप मुझे उसी को ही प्रदान करिए। आज कात्यायनी माता भी उस बात को सुनती है। तभी उस पत्र को सुन करके भगवान कृष्ण अपने रथ पर विराजमान होते हैं। अब रथ पर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही बलराम जी का आगमन हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, लो हो गई अब शादी, अब तो बड़े भैया आ गए, अब मैं तो संकोच में कह नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। तभी बलराम जी ने कहा, अरे लाला तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है लाला? नहीं सेनापति को पता है कि तू कहाँ जा रहा, नहीं मुझे पता है, नहीं पूरे द्वारिका वासियों को पता है कि तू कहाँ जा रहा है, तू इन सभी को बिना बता करके चोरी छुप के कहाँ जा रहा है? तभी भगवान कृष्ण कहते कि नहीं भैया मैं कहीं इधर ही जा रहा था। तो बलराम जी कहाँ जा रहा था? जब बलराम जी बार बार पूछते हैं कहाँ जा रहा था, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि तभी भगवान कृष्ण ने जो वो पंडित को इशारा करते हैं कि तुम ही बता दो, मुझे तो संकोच होता है। तो वह पंडित ने कहा कि भगवान कृष्ण कुंडिनपुर की ओर जा रहे हैं। तभी बलराम जी ने सोचा, अरे कुंडिनपुर में तो रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा है, हाँ जरूर जाओ जरूर जाओ, बलराम जी का प्यार इतना है श्री कृष्ण के प्रति, तभी श्री कृष्ण को भेज देते हैं, जरूर जाओ जरूर जाओ। बलराम जी टेढ़ी नजर करके सेनापतियों की ओर देखते हैं, अरे तुम क्यों खड़े हो, पूरे अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना सब जाओ सब जाओ। तभी सभी को आज्ञा दिया, आज सभी के सभी बलराम जी सभी को आज्ञा दे करके भगवान कृष्ण को विदा करते हैं। इधर जैसे ही भगवान कृष्ण जा रहे थे, उधर रुक्मणी जी जाकर वर माला डाल दी, और जैसे ही भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठा करके रुक्मणी जी को ला रहे थे, राक्षसों का आगमन हुआ। सुरक्षा बलियों को उस राक्षसों ने खूब सताया। शिशुपाल ने भगवान से कहा, अरे तुम छल करके ले जा रहे हो। तब भी भगवान कृष्ण आज अपने रथ को खूब दौड़ाते हुए ले जा रहे हैं। तभी भगवान कृष्ण आज रुक्मणी जी से विवाह कर रहे हैं। बोलिए भगवान कृष्ण लाल की जय। और आइए हम भजन के माध्यम से भगवान कृष्ण का विवाह की ओर चले। ऐसे बर को क्या बरे जो जन में मर जाए, पर बरिए गोपाल जो चुड़ियो अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी
विवाह को संपन्न करते हैं। आइए आज की कथा हम यही विराम देते हैं, कल की कथा सुदामा चरित्र की ओर और कल कथा विश्राम को। तो आज की कथा को यही विराम देते हुए आरती की ओर चलते हैं।